हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मेरे ट्यूटोरियल्स को एंजॉय कर रहे हैं। सो मैं आ गई हूँ एक और एक ट्रेंडिंग सा सॉन्ग लेकर, जो कि हम लाइव मोशन ऐप में बनाएंगे, जैसे कि हमने प्रीव्यू में देखा। सो आज उसी तरह का सॉन्ग जो है हम एडिट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करें। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो प्रोजेक्ट्स इंपोर्ट करना है। इन दोनों का लिंक और जो भी मटेरियल्स मैं यूज़ करूँगी उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे डाउनलोड करते हैं, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका साउंड जो है उसको म्यूट कर लेती हूँ, वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और यहाँ पर आपको बीट मार्क प्रोजेक्ट जो है उसे ओपन करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बीट मार्क्स लगे हुए हैं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करना है। और कैसे फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करना है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। और साथ में 9:16 जो रेशियो होता है फ़ोटो को, हम कैसे इसका रेशियो चेंज कर सकते हैं ये भी आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ अकॉर्डिंग टू द बीट मार्क आपको फ़ोटोज़ को ऐड करते जाना है एक एक करके। तो यहाँ पर जो है ना हम ऐड करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, सिर्फ आप लोग वॉच करते हैं लेकिन आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो चलिए यहाँ पर हम फ़ोटोज़ को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मीडिया पर जाते हैं और फ़ोटो को ऐड करते हैं। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बीट मार्क्स आपको फ़ोटोज़ को ऐड करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 9:16 इमेज, तो मैं यहाँ पे एक एक फ़ोटो को ऐड कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। सो आप लोग भी अपने फोल्डर में जाकर, जिस भी फोल्डर में आपके सारे फ़ोटोज़ हैं, आप वहाँ से जाके अपने फ़ोटोज़ को इम्पोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? आपको मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियोस जो है वो बनाकर मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस बनाकर जो है आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं और ढेर सारे लाइक्स और फॉलोअर्स आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आजकल जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चल रहे हैं आप उनका भी नेम्स जो है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग है जो चल रहा है। सो ये वाला जो है मैंने काफ़ी सर्च किया तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे सॉन्ग चल रहा है, क्योंकि मैंने इस तरह का सॉन्ग 3 से 4 बार मैंने सुना है, तो मुझे लगा कि ये ट्रेंड वाला है तो फिर मैं इसी सॉन्ग पर जो है मैं इसको एडिट करूँगी। सो यहाँ पे गाइस मैंने फ़ोटोज़ को ऐड कर लिया है और अब यहाँ पर हम दोबारा से हमारे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे और जो हमारा जो इफेक्ट है हम उसे ऐड करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे इफेक्ट जो है वो हम सिर्फ एक ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? हम यहाँ पे 2 से 3 या 3 से 4 इफेक्ट्स जो है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। सो इफेक्ट्स पे जाएंगे और 3 डॉट्स पे जाएंगे, कॉपी इफेक्ट करेंगे, ओके? एंड दोबारा से हमारे बीट मार्क प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे। और जो यहाँ पे आप ध्यान से देखना मैं कैसे इसमें जो इफ़ेक्ट है मैं ऐड करूँगी, ओके? सो फर्स्ट फोटो पे हम क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद हम इफेक्ट्स पे जाएंगे, 3 डॉट्स पे जाएंगे, पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। सो हमारी फर्स्ट फ़ोटो पे ये इफ़ेक्ट ऐड हो गया है।
अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे हम एक ही इफ़ेक्ट को सारे फ़ोटोज़ में हम अपलोड करेंगे, ओके, ऐड करेंगे जितने भी फ़ोटोज़ है, ठीक है। एक एक फ़ोटो में ऐड करने से अच्छा है कि हम एक ही बार में, एक ही क्लिक में हम सारे फ़ोटोज़ पे सेम इफ़ेक्ट को ऐड करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट फ़ोटो पे क्लिक करना होगा, कॉपी लेयर करना होगा और सेम उसी फ़ोटो पे हमने जो इफ़ेक्ट्स ऐड किया था उस इफ़ेक्ट को हमें कॉपी करना है। अब जो सेकेंड फ़ोटो है, सेकेंड फ़ोटो से लेकर लास्ट फ़ोटो तक आपको सारे फ़ोटोज़ को ड्रैग करना है, ओके। जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग कर रही हूँ तो आपको इसी तरह से ड्रैग करना है और यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है पेस्ट स्टाइल, ओके, जो पेस्ट स्टाइल है उस एरो पे क्लिक करना है, जो दो ऑप्शंस है उन दो ऑप्शंस को क्लोज करना है और फिर उसकी बाद जो है आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। देन ऑटोमेटिकली बूम, सारे फोटोज़ पे सेम इफेक्ट ऑटोमेटिकली वन क्लिक में ऐड हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कितना मस्त एंड अमेजिंग लग रहा है। ये ट्रिक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सो ये ट्रिक मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये ट्रिक आप लोग के साथ भी शेयर किया है। सो आपको ये ट्रिक कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और नेक्स्ट सॉन्ग, लाइक नेक्स्ट वीडियो आप किस सॉन्ग पे चाहते हैं आप, वो भी नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बता देना। तो अब हम यहाँ पे हमारे शेक ऑफ प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे और यहाँ पे हमने जो HDR इफ़ेक्ट है, CC इफ़ेक्ट है, हम उसको कॉपी कर लेते हैं और इसे भी हम हमारे स्टेटस वीडियो पे हम इसको अप्लाई कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने लेयर पे क्लिक किया, पेस्ट लेयर, और फिर इसके बाद जो है इसकी ड्यूरेशन जो है हम एंड तक ला देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे और इसे हम इंक्रीज़ कर देंगे एंड ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हमारी वीडियो जो है वो अमेजिंग लग रही है एंड ये परफेक्टली प्रीव्यू की तरह बन गई है। सो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ, आप इसे देख सकते हो। सो आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो और आपने क्या सीखा, नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। और इस तरह का आप वीडियोज़ जो है वो बनाकर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप अपलोड कर सकते हैं और ढेर सारे लाइक्स, फॉलोअर्स और इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में भी आप इस तरह का स्टेटस वीडियोस शेयर कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।